आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए आज कुछ अलग तरीके का नाश्ता बनाते हैं जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और बनाने में बहुत ही आसान है। देखने में तो लाजवाब है ही, बहुत ही टेस्टी यम्मी ये नाश्ता बना हुआ था और इस नाश्ते को मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया है। तो आइए इसको जान लेते हैं कि यह कैसे बना है। तो उबले हुए 4-5 आलू लिए हैं, 1 कप मैदा लिया है, 2 कप पोहा लिया है, धुला हुआ पोहा है, 1 मीडियम साइज का प्याज कटा हुआ है, जीरा 1 चम्मच है और ये हरा धनिया है काट कर रखा है, ये साबूदाना है भिगोया हुआ है, आधा घंटा पहले भिगोया था, और ये चीज़ क्यूब्स हैं और नींबू आधा है और कूटी हुई काली मिर्च है, अदरक और हरी मिर्च को क्रश किया है। ये कुछ मसाले हैं, हल्दी पाउडर है, सब्जी मसाला है और सफ़ेद नमक है। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स इस नाश्ते में डालेंगे, तो ध्यान से इनको देख लीजिए। और एक बाउल लेते हैं, अब उसमें जो आलू उबाल कर रखे हैं हमने, उस आलू को डाल लेते हैं और इसको किसी फॉर्क की सहायता से इस तरीके से या किसी स्पून से दबा दबा करके और इसको मैश कर लेते हैं। खूब अच्छी तरीके से इसको मैश कर लेना है। ये देखिए ये आलू मैश हो गया है। अब इसमें डाल देती हूँ पोहा। पोहा को वॉश करके रखा हुआ था, इसका पानी निकाल लिया है, 2 कप पोहा लिया हुआ है। सारे पोहा को डाल देती हूँ बाउल में। अब इसमें साबूदाना डाल दे रही हूँ, आधा घंटा पहले साबूदाना भिगोया था, इसका पानी निकाल लिया है। और इसमें अब डाल दे रही हूँ 1 कप मैदा और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लूँगी। आलू, पोहा, मैदा, साबूदाना, भिगोया हुआ साबूदाना, और ये डाल दिया है प्याज, कटे हुए प्याज डाले हैं, बारीक बारीक प्याज काट लिया है, कूटी हुई काली मिर्च डाली है और जीरा डाला है और ये अदरक और हरी मिर्च को क्रश करके डाला है। तो इधर डाल दिया सफ़ेद नमक, स्वादानुसार सफ़ेद नमक, और अब इसमें डाल दे रही हूँ हल्दी पाउडर आधा चम्मच, और ये सब्जी मसाला है जिसमें धनिया पाउडर और गरम मसाला है, तो इसको भी आधा चम्मच डाल दूँगी। अब इसमें डाल दे रही हूँ हरा धनिया कटी हुई, और ये है नींबू, आधा नींबू को निचोड़ करके उसका रस डालना है, तो ये नींबू का रस मैंने डाल दिया, लेमन जूस। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। जैसे आटे का डो लगाते हैं उसी तरीके से इसको मसल मसल करके और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाते हुए इसका डो बना लूंगी। ये देखिए खूब अच्छी तरीके से यह मैश हो जा रहा है और यह डो लग करके तैयार हो गया है। जैसे आटे का डो लगाते हैं रोटी बनाने के लिए, सेम उसी तरीके से इसको मसलते हुए इसका डो लगाना है। और ये चीज़ क्यूब्स को मैंने काट करके रख लिया है और इधर ऑयल को भी रख दिया है गरम होने के लिए। अब हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं और एक बड़े साइज़ के नींबू के जितना हम इस डो में से थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं और इसको बीच में थोड़ा सा गड्ढा बना करके अब इसमें एक चीज़ क्यूब्स को जो कि मैंने छोटे छोटे पीसेज में काटे हुए हैं उसको रख देते हैं। और इस तरीके से गोला गोला बना लेती हूँ बॉल्स जैसा, और जो चीज़ क्यूब्स है वो अंदर इसके हैं, तो ये सारे बॉल्स को मैंने बना लिए हैं। अब ऑयल मेरा गरम हो चुका है, थोड़ा सा डालकर चेक कर लेती हूँ कि ऑयल गरम हुआ है कि नहीं। तो ऑयल गरम हो चुका है और ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा हुआ है और सारे बॉल्स को ऑयल में डाल दे रही हूँ। ये देखिए सारे बॉल्स को इस तरीके से धीरे धीरे
डाल दूंगी। अभी तुरंत ही इसको नहीं चलाना है, 1 मिनट होने के बाद धीरे धीरे हिला करके इसको उलट पुलट देना है ताकि चारों तरफ से अच्छी तरीके से सिक जाए। सारे बॉल्स को कलछी की सहायता से इसको अच्छी तरीके से उलट पुलट दूंगी। बॉल्स अच्छे से पकने लगे हैं। हमें फ्लेम को मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना है। तो सारे बॉल्स पक रहे हैं, सिक रहे हैं, तब से दूसरे बैच के लिए इसी तरीके से हाथ में ऑयल लगा करके और बड़े नींबू के साइज का उतना बड़ा ले करके उसमें बीच में चीज क्यूब्स को रख करके इस तरीके से बॉल का शेप दे दूंगी और 7-8 बॉल्स बना करके रख लेती हूँ, जिससे कि फर्स्ट बैच का निकालने के बाद सेकेंड बैच का बॉल्स इसमें डाल दूंगी। ये देखिए खूब अच्छी तरीके से गोल्डन कलर में हमारे बॉल्स सिक रहे हैं। बनाने में बहुत ही आसान, खाने में बहुत ही टेस्टी। और ये बॉल्स जो बन रहे हैं बहुत ही अच्छे लग रहे थे खाने में। तो सभी बॉल्स को इस तरीके से गोल्डन ब्राउन के कलर का इसको सेक लूँगी। फ्लेम को बीच बीच में लो भी कर दिया है, तो मीडियम और लो के बीच का फ्लेम रखा हुआ है। सारे बॉल्स को निकाल ले रही हूँ। तो ये देखिए कितना सुंदर सिका है। अब सेकेंड बैच का बॉल्स डाल दूँगी। ऑयल तो हमारा ऑलरेडी गरम है। ये देखिए इस तरीके से धीरे धीरे सारे बॉल्स को ऑयल में डाल दूंगी और फ्लेम को मीडियम लो के बीच में रखा हुआ है। इनको हाई फ्लेम पे नहीं करना है। हाई फ्लेम पर बाहर का तो पक जाएगा लेकिन अंदर अच्छी तरीके से नहीं पकेगा और जो हमारा चीज़ है वो चीज़ भी मेल्ट नहीं होगा, तो खाने में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए फ्लेम को हमेशा मीडियम ही रखना है। और इस तरीके से देखिए हमारे सारे बॉल्स तैयार हो गए हैं बन करके। बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से बहुत ही मुलायम है, खाने में बहुत ही टेस्टी है, यम्मी है। तो आइए एक बॉल्स को उठा करके अब इसको देख लेती हूँ। ये देखिए कितना अच्छा बना है, चीज़ मेल्ट हो गया है और बहुत ही अच्छा है बना है, चीज़ भी मेल्ट हो गया है। तो खाइए और बताइए कैसा बना है। बहुत ही टेस्टी है, देखने में बहुत ही सुंदर है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।